रमजान के मौके पर खुले बाजारों में लॉकडाउन का उल्लंघन, दिल्ली के चांदनी चौक के उमड़ी खरीदारों की भीड़, मुंबई के मुंब्रा में भी उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। बहराइच में मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे लोगों को रोकने पर पुलिस टीम पर हमला, नमाजियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल, 32 को गिरफ्तार किया गया। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज की मांग पर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने रोजा अफ्तारी और सहरी पर टाइम को बताने के लिए सिर्फ 5 सेकंड तक मस्जिद से हूटर बजाने की इजाजत दी। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1621 हुई, अब तक 25 लोगों की मौत, 226 मरीज ठीक हुए। अब यूपी में 1370 एक्टिव केस। नैनीताल जिले में एक शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48 हुई। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी ने सभी जिलों के अधिकारियों से की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से ली रिपोर्ट। यूपी में 3 और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब कुल 18 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात, सीएम ने कोरोना के 20 से ज्यादा केसेस वाले जिलों में स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति के आदेश दिए थे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर, मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों को घर भेजने पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिखाई सख्ती, कहा जांच के बाद होगी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा ऐलान, अभी देश में नहीं हुआ है कोरोना के थर्ड स्टेज का संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्री बोले चीन को लौटाई जाएगी खराब पीपीई किट की खेप। कोरोना संक्रमण ने लोगों में फैलाया डर, ठाणे में डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लेने वाले को जाना पड़ा जेल, कोर्ट से मिली जमानत। साधुओं की हत्या के 9 दिन बाद शुक्रवार को पालघर के गढ़ चिचले गांव में सीआरपीएफ की तैनाती, एनआईए जांच की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर, सीआईडी कर चुकी है 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। कोरोना काल में कोटे में फंसे बिहार के छात्रों का टूट रहा है सब्र, घर वापसी के लिए हॉस्टल में जारी है अनशन, नीतीश सरकार से बिहार वापस बुलाने की गुहार। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को एक्टर अक्षय कुमार ने समर्पित किया तेरी मिट्टी सॉन्ग का नया वर्जन। यूपी डीजीपी हितेश चंद अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं कि दूसरे राज्यों से चोरी छिपे आ रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए, दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग हो, लोगों को छिपाकर ला रहे गाड़ियों के ड्राइवर मालिक पर भी कार्रवाई हो, चेकिंग के दौरान जो भी पकड़ा जाए उसे तुरंत क्वारंटाइन किया जाए। यूपी मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य प्रांतों में फंसे प्रदेश के नागरिकों की सहायता के लिए नामित नोडल अधिकारी के साथ बैठक की, जानकारी के बाद मुख्य सचिव ने आवश्यक निर्देश दिए, प्रदेश सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी, नोडल अधिकारी दिन में कम से कम एक बार कंट्रोल रूम का निरीक्षण जरूर करेंगे। विदेशी जमातियों की मदद करने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को निलंबित किया गया है, आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी में कम्युनिटी किचन को किया जा रहा है जियो टैग के जरिए आसपास के कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम की लोकेशन की मिलेगी जानकारी। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया स्वामित्व योजना का ऐलान, ड्रोन के जरिए देश के हर गांव में होगी जमीन की मैपिंग। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित जिलों में स्वास्थ्य विभाग की कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं डीजी हेल्थ अमित उप्रेती ने के मुताबिक रेड जोन वाले जिलों देहरादून और हरिद्वार के अलावा ऑरेंज जोन वाले जिलों अल्मोड़ा उधम सिंह नगर में खास एहतियात बरते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ता गरीब लोगों और राज्य में रुके मजदूरों को भोजन बांटने का काम कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता मोदी किचन मोदी किट के जरिए जरूरतमंद तक राहत और राशन भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कृषि कार्यों के लिए लॉकडाउन में छूट देने की गाइडलाइन जारी होने के बाद चमोली के सीमावर्ती गांव में रौनक लौटने लगी है, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग सर्दियों में नीचे की ओर चले जाते हैं और गर्मियों में वापस लौटते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये लोग वापस नहीं लौट पाए। उत्तराखंड में किसानों को कोई समस्या नहीं हो इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, लॉकडाउन के दौरान कृषि कार्यों के लिए आवागमन में किसानों को कोई परेशानी नहीं होने की बात कही गई है। बहराइच में कोरोना पॉजिटिव महिला समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लॉकडाउन का उल्लंघन और महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया, लॉकडाउन के बावजूद महिला ने घर में पार्टी दी थी, लॉकडाउन का उल्लंघन कर महिला गाजियाबाद भी गई थी। लॉकडाउन के वीवीआईपी चौराहे पर पुलिस ने एक गाड़ी से सफर कर रहे 11 लोगों को पकड़ा, पुलिस की माने तो सभी लोग जयपुर से दरभंगा जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी लोग बिना पास के ही सफर कर रहे थे।
यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें व्यवसायिक घरेलू और किसानों के 3 महीने के बिजली बिल माफ हो, प्रदेश भर के चिकित्सालयों में ओपीडी और आकस्मिक सेवाओं के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शुरू कराए जाने का सुझाव। मुरादाबाद पुलिस अकेडमी में 125 सब इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ध्यान, तत्काल प्रभाव से अलग अलग जिलों में तैनात किए जाएंगे सभी सब इंस्पेक्टर। ललितपुर में लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगाने की वजह से शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। पाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर 180 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 2000 किलो लहन नष्ट किया। संभल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 200 बेड का नया क्वारंटीन सेंटर तैयार किया गया, जिलाधिकारी ने क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वाराणसी में सरकार के निर्देश पर निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं, निर्माण कार्य में करीब 150 वर्कर्स लगाए गए हैं, सभी वर्कर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्लव, सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था की गई। कानपुर के नरोना रोड पर रहने वाले मृतक कौशल प्रसाद की अर्थी को पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू परिवारों ने कंधा दिया, दरअसल लॉकडाउन के चलते उनकी बेटी सीतापुर से कानपुर नहीं आ सकी। शामली में कांदा थाना क्षेत्र के मोहल्ला राज जदगान में एक ही पर दीवार गिरने से परिवार के 3 सदस्य मलबे के नीचे दब गए, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीण ने सभी को बाहर निकाला, सभी को कांदा सीएससी में भर्ती करवाया गया। कोरोना संकट में भी पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी भेज रहा है, 7 जनवरी से अब तक 50 आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं, इनमें से 18 आतंकी लॉकडाउन के दौरान मारे गए। देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, चिट्ठी लिखने वालों में वजाहत हबीबुल्लाह, एस वाई कुरैशी समेत कई पूर्व अफसर भी शामिल हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरे में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान पर बीजेपी ने कहा है कि वो महामारी काल में भी जहरीली जुबान बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में डिलीवरी बॉय के मुस्लिम होने की वजह से सामान न लेने पर विवाद बढ़ गया, आरोपी गजानन चतुर्वेदी ने इस आरोप को गलत बताया है कि उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लिया। महाराष्ट्र के पालघर में हुए हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका दाखिल की गई है। 16 अप्रैल को पालघर के गढ़ चिचले में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान लोगों से धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी के नाम से फेक आईडी बनाकर उनके ही दोस्त के साथ चीटिंग करने की कोशिश की गई। कोरोना काल में पाकिस्तान समुद्री रास्ते के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा है, इस काम के लिए आईएसआई ने तस्कर और माफिया बदमाशों के साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान की साजिश रमजान में भारत पर हमला करने की।